हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएमआर लर्नर्स। आज की वीडियो में मैं आपको एयरफोर्स ग्रुप वाई के लिए हिस्ट्री बताऊंगा। काफ़ी बच्चों को दिक्कत आती है कि जो जीके का स्टैटिक पोर्शन है उसको कैसे पढ़ें, क्या क्या पढ़ें, क्योंकि लूसेंट बच्चे उठा लेते हैं। लूसेंट में काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा हिस्ट्री के आज, जो आपको सिर्फ पढ़ेंगे तो आपके कन्फर्म मार्क्स आ जाएंगे हिस्ट्री का। अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका गलती वो गलत नहीं होगा। तो चलिए हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं आज। तो ये अभी एंशंट हिस्ट्री से है, आगे हिस्ट्री की अभी सीरीज चलाऊंगा मैं, उसमें पूरा करवा दूंगा। दो तीन वीडियो में आपका पूरा हो जाएगा हिस्ट्री, फिर आगे ज्योग्राफी, ऐसे मैं आपका स्टैटिक पोर्शन जल्दी जल्दी कंप्लीट करा दूंगा। तो वीडियो में को स्टार्ट करने से पहले, यार न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा लें, क्योंकि आगे के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जैसा कि स्क्रीन पर लिखा हुआ है, एंशियंट हिस्ट्री, हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट्स हैं, ये दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकें। तो देखिए मोहनजोदारो, पहले हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैसा आप सभी को पता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर इंपॉर्टेंट जो वहाँ के शहर थे, जो सिटीज़ थी, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा थी। तो इनकी बात करते हैं। ये देखिए मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदाड़ो की सिविलाइजेशन को किसने खोज की थी? तो यहाँ पर लिखा हुआ है रखलदास बनर्जी जो थे, हाईलाइटेड वर्ड में लिखा हुआ है रखलदास बनर्जी जो थे, इन्होंने मोहनजोदारो की खोज करी थी। और हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज किसने करी थी? दयाराम साहनी ने। मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, आपको अच्छे से याद कर लेनी है इसको, और आपका जो है बिल्कुल कंफर्म हिस्ट्री का क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। आगे देखते हैं, मोहनजोदारो किसके नाम से जाना जाता था? माउंट ऑफ डेड, मतलब मृतकों का टीला कहा जाता था। माउंट ऑफ डेड कहा जाता था मोहनजोदारो को, ठीक है। ये भी कहा जाता है, मतलब एक दूसरा नाम है, जैसे पूछ ले कि मोहनजोदारो को और किस नाम से जाना जाता है, तो वो क्या है? मृतकों टीला, ठीक है। आगे देखते हैं, लार्जेस्ट बिल्डिंग, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं पेपर में। पिछले साल जो 2018 वाला अटैम्प्ट था उसमें भी ये लोग क्वेश्चन पूछा गया था, लार्जेस्ट बिल्डिंग इन हड़प्पा, हड़प्पा में लार्जेस्ट बिल्डिंग कौन सी? ग्रेट गिनरी, अन्न भंडार जो था वो वहाँ की सबसे बड़ी इमारत है। और जो इसी तरह से लार्जेस्ट बिल्डिंग इन मोहनजोदारो वो क्या? ग्रेट बाथ, महान स्नान घर जो है वहाँ का सबसे बड़ा स्थान था। और स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल, नाचती हुई नृत्यकी, एक नृत्यकी की मूर्ति मिली थी कहाँ से? मोहनजोदारो से। किसकी बनी हुई थी? ब्रॉन्ज, तांबे की बनी हुई थी, तांबे कांसा कहते हैं उसको, कांसे की बनी हुई थी वो मूर्ति। डांसिंग गर्ल नृत्यकी जो थी, उसका मूर्ति का नाम क्या था? देवदासी उस मूर्ति का नाम है। अगर पूछ ले नृत्यकी की मूर्ति जो मोहनजोदारो मिली वो किस धातु की बनी थी, तो कांसे की बनी थी, ब्रॉन्ज की बनी हुई थी, ये आपको याद रखना है। तो चलिए आगे देखते हैं, पशुपति शिवा की सील, पशुपति शिवा सील भी मिली थी मोहनजोदारो से ही मिली थी, ये भी याद रखना है। आगे देखिए, हड़प्पा सिविलाइजेशन पीपल ने, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी स्टार्ट हो गया है, हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे का उपयोग नहीं करते थे, ठीक है ना। कहीं जैसे पूछ लेता कि फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन है ना, तो आप लोहा कर दे, नहीं, लोहा नहीं था, वो था कॉपर। पीपल फर्स्ट स्टार्टेड फार्मिंग ऑफ, सबसे पहले खेती किस चीज़ की करनी चालू करी थी? कपास की खेती, कॉटन की खेती चालू करी थी इंसान ने करनी। इंडस वैली डायनेस्टी को सिंधु डायनेस्टी और साथ ही साथ ब्रोंज डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु डायनेस्टी क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि सिंधु नदी के किनारे ये शहर ज़्यादातर बसे हुए थे इसके, जो इसीलिए से सिंधु डायनेस्टी भी कहा जाता है। कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है इसे, ब्रोंज डायनेस्टी जैसे मैंने आपको बताया। कॉपर इज फर्स्ट मेटल, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, कॉपर जो पहला धातु है जिसको इंसानों द्वारा उपयोग में लाया गया, तांबा पहली धातु है, ठीक है। और मैनी ट्रीज, किसकी पूजा करी जाती थी वहाँ पे, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर लोग किस चीज़ की पूजा करते थे? पीपल के पेड़ की, बुल, डव और पीजन नाम की बर्ड्स होते हैं उनकी पूजा करते थे। और एक चीज़ यहाँ पे आप ऐड कर लेना, अगर पूछ ले तो, जहाँ तक आता नहीं है ये, लेकिन मैं आपके लिख देता हूँ, मदर गॉडेस, इसकी भी पूजा की जाती थी वहाँ पे, ठीक है। अब आपका एंशियंट हिस्ट्री खत्म हो गई, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाली थी, वैदिक पीरियड आ गया, जब आर्यन आए थे इंडिया के अंदर, आर्यन आए थे उस पीरियड की है ये। तो उसमें आपका कुछ ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, वैदिक लिटरेचर उस समय में, जो वैदिक समय था उसके समय के जो साहित्य हैं वो खाली इंपॉर्टेंट है। तो पता ही है वैदिक पीरियड में वेद लिखे गए थे, सबसे बड़े, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट से वेद ही हैं वो। वेद कितने हैं नंबर में, आप सभी को पता होगा, 4 इन नंबर हैं। कौन कौन से हैं ये देखते हैं आगे हम। पहला तो आपका है ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। अब देखते हैं ऋग्वेद की बात करते हैं पहले।
ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, ठीक है, ओल्डेस्ट वेद है, और जो इसमें इम्पोर्टेंट याद रखने की बात है वो है इसके अंदर प्रेयर्स कंटेन करता है, लेकिन कौन सी प्रेयर जो मेन है वो याद रखने में, गायत्री मंत्र अगर पूछ लेता है कभी कभी, गायत्री मंत्र कौन से वेद वेद में लिखी है, तो वो है ऋग्वेद में लिखी है, ये सबसे पुराना वेद है। ये क्वेश्चन तो आता ही है कई बार, ओल्डेस्ट वेद कौन सा है हमारा, तो वो है ऋग्वेद जो कि सबसे पुराना वेद है। अब आता है दूसरा आपका सामवेद। सामवेद में क्या है, म्यूजिक मेलेडीज, म्यूजिक जो है सामवेद के अंदर है, भारतीय संगीत का जनक भी इसे कहा जाता है, खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नाम चार वेदों के नाम आपको पता होने चाहिए। कभी कभी ऑड वन आउट में दे देता है कि आयुर्वेद भी दे देगा आपको साथ में नाम के, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्वेद दे दिया, साथ में आयुर्वेद दे दिया, तो आपको आयुर्वेद हटाना है क्योंकि आयुर्वेद वेद नहीं है कोई, ये चार वेदों में से नहीं है, ठीक है। अब सेकंड थर्ड वेद जो था आपका यजुर्वेद, यजुर्वेद में क्या फॉर्मल रिचुअल्स कैसे पूजा पाठ की जाती है वो सब लिखा हुआ है उसमें। और चौथा है आपका अथर्ववेद, अथर्ववेद में मैजिक, जादू टोने से संबंधित बातें लिखी हुई हैं। अब पुराण, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके थोड़े, पुराण नंबर में कितने हैं, 18 है नंबर में पुराण टोटल, और ओल्डेस्ट पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण, ठीक है, मत्स्य पुराण ये आप याद रखना है, ओल्डेस्ट पुराण है मत्स्य पुराण अपना। ओल्डेस्ट नेम ऑफ महाभारत, महाभारत का पुराना नाम क्या है, जय संहिता के नाम से जानी जाती थी पहले, अब इसे महाभारत कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं उपनिषद के बारे में, देखिए उपनिषद 108 है कुल, 108 है नंबर में, और यहीं पे ये उपनिषद का पॉइंट खत्म, बस ये याद रखना है आपको 108 है नंबर में। और एक दर्शन होते हैं, ये भी बुक का नाम है दर्शन, ये काफ़ी सारे दर्शन लिखे गए थे, बस इनमें एक ही इंपॉर्टेंट सांख्य दर्शन, क्योंकि सबसे पुराना दर्शन है सांख्य दर्शन, इसको लिखे किसने था, ये लिखित है महर्षि कपिल द्वारा लिखित है, ये सांख्य दर्शन किसने लिखा, महर्षि कपिल ने, और ये याद रखिएगा आप वैदिक पीरियड्स में ही सही है। उपनिषद, एक उपनिषद का नाम क्या है, मुंडका उपनिषद, ये जो मुंडका उपनिषद है इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते, लाइन टाइप है, सत्यमेव जयते, ये कहाँ से लिया गया है, मुंडका उपनिषद के अंदर से लिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम सारे डायनेस्टी की बात कर लेते हैं, सारी डायनेस्टी तो एक वीडियो में नहीं हो पाएंगी, तो हम आगे वाली वीडियोज में सारी डायनेस्टीज कवर कर लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज हैं जैसे मगध, मौर्य, गुप्ता, उसके बारे में थोड़ा डीप में पढ़ेंगे, बाकी जो डायनेस्टी है उनके खाली फाउंडर्स का नाम पता होना चाहिए और काम हो जाता है। यार भले ही हिस्ट्री कम नंबर की आती है, जैसे एक ही नंबर का क्वेश्चन आता है वैसे तो एयरफोर्स में, बट एक एक नंबर से कट ऑफ पूरी हिल जाती है, ठीक है ना, एक एक नंबर से बच्चों का सिलेक्शन रुक जाता है, तो हमें कोई भी नंबर नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो अब मगध एम्पायर देखते हैं आज, मगध एम्पायर का संस्थापना किसने करी थी, बिम्बिसरा, बिम्बिसरा ने मगध एम्पायर की संस्थापना की थी। मगध सबसे पुराना एम्पायर डायनेस्टी है जो मगध एम्पायर है, और इसकी संस्थापना बिम्बिसरा द्वारा स्थापित किया गया है। और मगध, मगध का ओल्डेस्ट कैपिटल, ये काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है एयरफोर्स वालों का, काफ़ी बार आ चुका है ये, मगध का ओल्डेस्ट कैपिटल क्या है, मगध का ओल्डेस्ट कैपिटल है राजगृह, राजगृह है वो मगध की सबसे पुरानी राजधानी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उदयन, काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, जैसे कि ये कोई शहर का नाम दिया, जैसे पाटलिपुत्र, ये किसके द्वारा, किसके द्वारा इसको सेटल किया गया, किसने इसको बसाया, तो उसके बेसिस पे होता है, तो उदयन ने पाटलिपुत्र बसाया था, कहाँ पे, कॉन्फ्लुएंस संगम पे, गंगा और सोन रिवर के, ठीक है, उदयन सेटल्ड पाटलिपुत्र, आपको बस इतनी लाइन याद रखनी है, उदयन ने पाटलिपुत्र बसाया था, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए बस, कहाँ बसाया ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र को बसाया, ठीक है। अब हम मौर्य डायनेस्टी की बात करते हैं, मगध डायनेस्टी में बस इतना ही था, मौर्य डायनेस्टी खाली हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख रहे हैं, इसमें हमें पूरा डीप में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यार दिन कम बचे हैं, और हमें खाली इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने, वैसे भी एक ही नंबर का आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से ही आएगा, कन्फर्म है, बस आप ये सब पढ़ लोगे तो आपका एक नंबर कन्फर्म हो जाएगा। तो मौर्य डायनेस्टी देखते हैं, मौर्य डायनेस्टी का फाउंड किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा इसे बसाया गया, और उनकी मदद इसमें किसने करी थी, उनके गुरु चाणक्य ने, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया किसको, मौर्य वंश को। अब देखिए चंद्रगुप्त के गुरु का नाम लिखा है यहाँ पे चाणक्य, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाणक्य इनके गुरु थे, उसको किन किन नामों जाना था, कौटिल्य भी उनका एक नाम था और विष्णुगुप्त भी उनका एक नाम था, ठीक है, याद कर लेना आप, इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफ़ी। है जो हमारा मेगास्थनीस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रीक ट्रैवलर था एक, ये सेलुकस निकेटर के शासन में था, और उसने अपना एम्बेसडर के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य की डायनेस्टी में भेजा था। आपको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं, बस मैं कहानी बता रहा हूँ आपको ताकि आपको ये दिमाग में बैठ जाए। तो मेगास्थनीस था वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में था, ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में वो था, और उसने
याद रखना आपको ये भी कि ग्रीक था वो, एक ग्रीक ट्रेवलर था, यूनानी था वो एक। और अशोक के बारे में आगे पढ़ते हैं, अशोक भी मौर्य डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। अशोक जानते हैं सबसे बड़े रूलर माना जाता है उन्हें। आपको पता होगा कि 16 महाजनपदों में बटी हुई थी सारी डायनेस्टी जो थी, 16 महाजनपदों में पूरा जो उनका रूलिंग एरिया था वो बटा हुआ था। तो 16 महाजनपदों में एक साथ राज्य करने वाले खाली अकेले राजा कौन थे? अशोक ही हैं वो, अतीत में वो अकेले राजा जिन्होंने 16 महाजनपदों पे एक साथ राज किया। ठीक है, अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। ठीक है, बिंदुसार के पुत्र थे, और बिंदुसार किसके पुत्र थे? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार, बिंदुसार के पुत्र थे अशोक। आपको याद नहीं रखना बिंदुसार किसके पुत्र थे, बस ये पता होना चाहिए अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। अशोक को किस नाम से जाना जाता है? देवा नाम प्रिय, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, देवा नाम प्रिय के नाम से भी जाना जाता है अशोक को। और देखिए कलिंगा वॉर, कलिंगा वॉर किसने लड़ी थी? अशोक ने लड़ी थी। उसका डिस्क्रिप्शन, उसके बारे में विवरण हमें कहाँ से मिला है ना? 13th शिलालेख। आप लोग जानते होंगे कि जो अशोक थे वो काफ़ी सारे शिलालेख और पिलर बनवाए थे उन्होंने, तो उसी में से एक है 13th रॉक एडिक्ट, जो 13वां शिलालेख था, उससे हमें कलिंग युद्ध का विवरण मिला। ठीक है, अर्थशास्त्र बुक किसने लिखी? चाणक्य ने अर्थशास्त्र बुक लिखी है। ठीक है, चाणक्य वही कौटिल्य नाम है जिनका, कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, इन्होंने कौन सी बुक लिखी? अर्थशास्त्र बुक। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बुकों के नाम हमें पता होना चाहिए कि किसने लिखा है किस बुक को। अर्थशास्त्र किताब चाणक्य द्वारा लिखित है। और इंडिका बुक, इंडिका बुक मेगास्थनीज जो ग्रीक ट्रैवलर था उसने लिखी है इंडिका बुक। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, काफ़ी बार पेपर में पूछी गई है किसने लिखी, तो ये पता होना चाहिए आपको। सांची स्तूप, सांची स्तूप बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है। सांची स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने निर्माण करवाया था सांची स्तूप का। ठीक है, अब थोड़ी लड़ाइयाँ देखते हैं जो इन राजाओं ने लड़ी, जिनके बारे में हमने ऊपर पढ़ा, जिन सबके बारे में, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सी लड़ाई लड़ी? सेलुकस निकेटर के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य जीत गए थे 305 BC में। देखिए 305 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस निकेटर को हराया। ठीक है, और 326 BC, 326 BC में क्या हुआ? बैटल ऑफ हाइडस पास, एलिजेंडर ने पोरस, पोरस ने एलिजेंडर को इंडिया में आने से रोका था इस समय। ठीक है ना, देखिए 326 ईसा पूर्व क्या हुआ था? 326 ईसा पूर्व हाइडस पास की लड़ाई हुई, और हाइडस पास की लड़ाई में क्या हुआ? पोरस ने एलिजेंडर को हरा दिया। हरा दिया तो नहीं कह सकते, लेकिन मान लीजिए हरा ही दिया, क्योंकि एलिजेंडर इंडिया पे अटैक करना चाहता था पर पोरस ने उसे वहीं पे रोक दिया। ठीक है, 326 ईसा पूर्व हुई थी हाइडस पास की लड़ाई। अब देखिए 261 ईसा पूर्व 261 BC में कलिंगा वॉर हुई। कलिंगा वॉर में अशोक ने कलिंग राजा को हरा दिया था। अशोक डिफिट, डिफीट कलिंगा। तो ये आज की वीडियो का लास्ट पॉइंट है, एलिजेंडर जिसे सिकंदर के नाम से जाना जाता है वो कहाँ मरा था? इतना खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन आप एक बार देख लीजिए, एलिजेंडर बुखार के कारण बेबीलोन शहर में मरा था। ठीक है, एलिजेंडर डाइड बाय फीवर इन बेबीलोन। बेबीलोन अब इस शहर को, बेबीलोन शहर को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया है, तो याद रखिएगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बेबीलोन। तो यार वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तो ये आज की वीडियो का लास्ट पॉइंट है, एलिजेंडर जिसे सिकंदर के नाम से जाना जाता है वो कहाँ मरा था? इतना खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन आप एक बार देख लीजिए, एलिजेंडर बुखार के कारण बेबीलोन शहर में मरा था। ठीक है, एलिजेंडर डाइड बाय फीवर इन बेबीलोन। बेबीलोन अब इस शहर को, बेबीलोन शहर को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया है, तो याद रखिएगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बेबीलोन। तो यार वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।